हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको बताऊंगा निकॉन DSLRs में कस्टम पिक्चर कंट्रोल कैसे सेट करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है निकॉन DSLR में 6 पिक्चर कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं, जो है स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लेकिन इन 6 पिक्चर कंट्रोल के अलावा अगर आपको एक सातवां अपना मनपसंद सेटिंग्स वाला पिक्चर कंट्रोल ऐड करना है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे करना है। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो चलिए जानते हैं अपना कस्टम पिक्चर कंट्रोल कैसे सेट करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जब आपको आपका खुद का एक पर्सनल सेटिंग्स वाला पिक्चर कंट्रोल बनाना है तो आपको ये 6 में से कोई भी एक पिक्चर कंट्रोल लेकर उसकी सेटिंग्स चेंज करने के बाद उसे सेव करना है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विविड सब दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमें अगर पोर्ट्रेट का एक दूसरा प्रोफाइल बनाना है, जैसे ये पोर्ट्रेट में आप देख रहे हो यहाँ पर सेटिंग्स आपको बताता हूँ, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सेचुरेशन, ह्यू सब की वैल्यू जो है 0 है, खाली शार्पनेस इसकी थोड़ी कम है क्योंकि पोर्ट्रेट में अक्सर लोग थोड़ा सॉफ्ट लुक देते हैं ताकि फेस अच्छा दिखे, लेकिन किसी किसी को शार्प पोर्ट्रेट्स भी पसंद रहते हैं। तो जब भी आपको अगर शार्प पोर्ट्रेट लेना है तो आपको यहाँ पर आकर सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोफाइल क्रिएट करके रखें ताकि अगर आपको शार्प पोर्ट्रेट लेना है तो डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर शार्प ले सकते हो। तो उसे सेट करने के लिए हमें पिक्चर कंट्रोल में जो पोर्ट्रेट है इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है, लेकिन हमें यहाँ से सेट पिक्चर कंट्रोल में जाकर नहीं करना है, हमें मैनेज पिक्चर कंट्रोल में जाकर करना है। तो मैनेज पिक्चर कंट्रोल पर जाकर मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे सेव एडिट का जो ऑप्शन दिया है उस पर एक राइट क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं पोर्ट्रेट पर जाकर राइट क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए यहाँ पर सब सेटिंग सेम है, खाली शार्पनेस कम है। तो जैसे मैं एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मुझे शार्पनेस ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे शार्पनेस को बढ़ाकर 9 कर दूंगा, बाकी सब चीज़ सेम रखूँगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो ओके है, रीसेट है, ग्रिड है, तो मैं इसे ओके दबाऊंगा। जैसे ओके दबाया तो मुझे ये सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, आप अपनी जो कस्टम अगर पिक्चर कंट्रोल बनाना है तो आप इन टोटल 9 कस्टम पिक्चर कंट्रोल्स बना सकते हैं, अलग अलग नाम देकर आप उसे सेट कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कौन से पिक्चर प्रोफाइल पे आपकी कैसी सेटिंग्स है और उससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको पहला वाला यूज़ कर बता रहा हूँ, C1 कस्टम सेटिंग्स 1। अब यहाँ पे जब मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अपने आप लिख कर आया है पोर्ट्रेट 2। अगर आपको ये नॉर्मल लग रहा है तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन अगर आपको इसमें आगे नाम देना है कि आपने इसमें शार्पनेस की सेटिंग बढ़ाई है तो 2 की जगह निकाल के आप सिर्फ इसे शार्प लिख दीजिए। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो पोर्ट्रेट 2। अभी से मैं आपको बताता हूँ उसको नेमिंग कैसे करते हैं। ये कर्सर के थ्रू आप नेविगेट करके अपना जो नाम है सेट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 2 हटाना है तो ये स्क्रॉल कर आप इसे मूव कीजिए ये डैश तक, और जो 02 है उसके बदले मैं अभी यहाँ पर शार्प लिखूँगा। तो जैसे मैं S पर जाने के बाद ओके दबाऊँगा तो यहाँ पे S आएगा, फिर मैं H पे जाऊँगा यहाँ पर ओके दबाऊँगा, SHARP। अभी बाकी का जो 02 मुझे निकालना है तो यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक का ऑप्शन दिया है, ब्लैंक को दबाते रहिए ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो अभी सिर्फ पोर्ट्रेट शार्प लिख कर आया है, अब इसे मुझे सेट करना है। तो मैं इसे प्लस साइन ओके दबाऊंगा तो वो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सेव करने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो जूम इन का साइन है वहाँ पर दबाने के बाद ये सेव हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसे दबा दिया ये सेव हो गया। तो अब आप देखोगे 6 के बदले अभी मेरे पिक्चर कंट्रोल में मुझे 7 ये दिखेंगे। देखिए स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट शार्प। तो जैसे हमने पहले बताया पोर्ट्रेट में देखिए शार्पनेस जो है कम है, लेकिन अगर यही चीज़ मैं पोर्ट्रेट शार्प जो हमने नया पिक्चर कंट्रोल सेट किया है उसमें जाऊंगा तो उसमें देखिएगा शार्पनेस एकदम हाई है। तो इसमें जब ओके करके अभी मेरा यहाँ पे C1 दिखा रहा है, मेरा पिक्चर कंट्रोल जो है पोर्ट्रेट शार्प जो हमने कस्टम सेटिंग की है। तो डायरेक्टली मैं इसे सिलेक्ट कर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करूँगा तो मुझे थोड़े शार्प रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह जो है आप किसी भी लैंडस्केप या विविड कंट्रोल पर आपको जो भी सेटिंग्स थोड़ी ऊपर नीचे कर आपको एक कस्टम सेटिंग क्रिएट करनी है, आप अपना मनपसंद नाम दे के उसे 9 अलग अलग सेटिंग्स आपके कैमरे में सेट कर सकते हैं और जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके आपकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो और ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जैसे मैंने कहा अगर आप सब्सक्राइब हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं टाइम टू टाइम आपका उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एन्जॉय फोटोग्राफी।